राधे राधे, कैसे हो आप लोग। ये हमारा एक्सरसाइज 3.4 है, जिसमें बस एक ही क्वेश्चन है, बस एक। मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ। ए और बी दो मैट्रिक्स है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, तो बताओ कब इनवर्स होंगे, कौन सा कंडीशन सही है इनमें से। तो सिंपल सी बात है, ए और बी इज इक्वल टू आई आएगा, ठीक है। और बी बी इंटू ए भी इक्वल टू में आई आएगा, ठीक है। मान लो जो b है वो a का इन्वर्स है, तो a इंटू बी आई के इक्वल आएगा, और b इंटू ए आई के इक्वल आएगा, ठीक है। तभी एक दूसरे के इन्वर्स होंगे ये। अब चेक कर लो कौन सा है ये कंडीशन इसमें से। पहला वाला क्या है, a इंटू बी इजकल टू बी इंटू ए है, तो क्या सही है ये? नहीं। क्यों? क्योंकि a इंटू बी या b इंटू ए आई के इक्वल आना चाहिए। i हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो क्या यहाँ पे लिखा है कि i के इक्वल है ये? नहीं लिखा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इस पे आते हैं, ए इंटू बी इजकल टू बी इंटू ए इजकल टू जीरो, नहीं जीरो नहीं चाहिए। अगर इसे मैं कंबाइन कर दूँ तो क्या आएगा, ए इंटू बी इजकल टू बी इंटू ए इजकल टू आई, है ना। दोनों आई के इक्वल है, तो ये दोनों बी इक्वल हो गए, ये आएगा हमारा आंसर। यहाँ पे जीरो है तो ये भी नहीं होगा, इसकी बात करें तो ये भी नहीं होगा। ए इंटू बी जीरो आना नहीं चाहिए, ए इंटू बी हमारा क्या आना चाहिए, आई के इक्वल आना चाहिए। और a इंटू बी इजकल टू बी इंटू ए इजकल टू आई, यही तो हमारा यहाँ लिखा हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ओके, सिंपल सी बात है कि अगर दो मैट्रिक्स इन्वर्स एक दूसरे के, तो उनके मल्टीप्लाई करने पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। सिंपल सी बात, यहाँ पे दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो a इंटू बी भी आई है, b इंटू ए भी आई है। डन, बस इतना था समझना हमें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।